जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब अपना जो ईमेल वगैरह नंबर में डाल के ओटीपी डाल के आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो ऑप्शन आता है पहला, जो क्या कहता है फिलअप करने का, एप्लीकेशन एडिट और फिलअप करने का, तो उसमें हम किस तरह से फिलअप करेंगे, उसमें पहला जो आपका ऑप्शन आता है वो डिटेल ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन का आता है, ठीक है। तो हम उसमें ट्रेड और एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पे रहता है, तो इसमें हम किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, इस बहुत सारे स्टूडेंट का यही कन्फ्यूज़न रहता था, तो इसी को मैं आज आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। तो यहाँ जो सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन है वो SSLC और मेट्रिकुलेशन। तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन और SSLC दोनों में से आपको एक सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको मैट्रिकुलेशन या SSLC तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। बाकी यहाँ पे चार कोर्स जो है डिग्री है, प्लस टू का, ITI का, और इंजीनियरिंग डिप्लोमा और इंजीनियरिंग डिग्री। तो आपको जैसे मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करते हैं उसके बाद चारों डिग्री है उनमें से आपको सिर्फ एक को सेलेक्ट करना है, ठीक है। चाहे आपको चारों डिग्री क्यों ना हो उसमें से सिर्फ आपको एक सेलेक्ट करना है। तो चलिए पहले मैं मैट्रिकुलेशन अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं मैट्रिकुलेशन अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अभी जो स्टूडेंट प्लस टू में है, ठीक है, जो इंटर कर लिए हैं और उनका सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, जो बायोलॉजी से हैं वो इन पोस्ट के लिए ट्रेड के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है, वो नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी प्लस टू का एग्जाम्पल लूँगा और उसके बाद मैं ITI का लूँगा, ठीक है, इंजीनियरिंग का भी लूँगा और इंजीनियरिंग डिप्लोमा का भी लूँगा, यानी कि दो चारों का यहाँ पे लूँगा। तो इन चारों में से आप एक ही को सेलेक्ट करते हैं, जो भी आपका डिग्री है आप उसी को दें। अगर आपके पास दो डिग्री है, ठीक है, तो दो डिग्री में से आपका जो बेहतर है उसको देना। तो मैं अभी प्लस टू का यानी कि इंटर का लेके जा रहा हूँ, ठीक है, इंटर के बारे में बता रहा हूँ। और उसके देखिए यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट हो सिर्फ फिजिक्स एंड मैथ ही लेगा, अदर कोई सब्जेक्ट नहीं, ठीक है। तो मैं इसे कन्फर्म कर देता हूँ। उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम ट्रेड, मतलब आप कौन से पोस्ट के लिए भर रहे हो, ठीक है। तो आप जैसे ही फिजिक्स एंड मैथ सेलेक्ट करोगे तो इस पर आपका तीन ऑप्शन आ जाता है, इलेक्ट्रिशियन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए और वायरमैन के लिए। तो आपको जो अच्छा लगे, ठीक है, जो भी आपका ट्रेड अच्छा लगे, मतलब वो एग्ज़ाम ट्रेड, मतलब जो भी आप जो पोस्ट में आप ज्वाइनिंग करना चाहेंगे, ठीक है, तो आप इन तीनों में से किसी एक को आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे चलिए मैं अभी इलेक्ट्रिशियन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एक डेमो के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका अगर प्लस टू में है तो आप ऐसे इस तरह से आप अपना एग्ज़ाम सिलेक्ट एग्ज़ाम ट्रेड सिलेक्ट कर लेना, बाकी इनको ब्लैंक छोड़ देना है। तो चलिए मैं अभी फिर अब ITI के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ITI से करें तो आपको प्लस टू सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, उसको छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ITI इसको फिर से लेता हूँ और चलिए मैं ITI के बारे में बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो ITI सेलेक्ट कर लिया हूँ डिग्री में, और आपका ट्रेड जो भी है, ठीक है, जो आपने ट्रेड से मतलब आप ITI किए हैं उन ट्रेड को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैं चलिए ट्रेड को देखता हूँ, जो भी आपका देखें, आप बुक बाइंडर है, कारपेंटर है, CNC प्रोग्राम, डोमेस्टिक पेंटर, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे ट्रेड दिए गए हैं। आपका जो भी ट्रेड है ITI से आप जो ट्रेड किए हैं उस ट्रेड को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको कोई सा भी एक मतलब आपका जो भी आपका ट्रेड है उसको सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे किसी एक को एक सेलेक्ट करके मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाना चाहूँगा, ठीक है। मैं एक कोई सा भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखता हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ITI के लगभग सारा ट्रेड यहाँ पे दे दिया गया है, आप कोई भी ट्रेड से तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जितना भी ट्रेड ITI का लगभग होता है सारा चीज़ यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे कोई सा एक ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैं अभी यहाँ पे देखिए बहुत सारा ट्रेड है, मैं एक किसी को एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जो भी एक ट्रेड होगा मैं उसको एक ले लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फिटर लिया, ठीक है। तो अब अगर आप इलेक्ट्रिकल फिटर से ट्रेड किए तो आपका एग्जाम ट्रेड भी इलेक्ट्रिकल फिटर ही रहेगा, ठीक है, आपका दूसरा ट्रेड पे आप नहीं जा सकते। आपका जो ट्रेड रहेगा आप उसी ट्रेड पे एग्ज़ाम दे सकते हैं, दूसरे ट्रेड पे नहीं। अगर फिटर लेते हैं, आपका फिटर ट्रेड है, तो आपका जो ट्रेड रहेगा वो आपका फिटर ही रहेगा एग्ज़ाम ट्रेड, ठीक है। गैस कटर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो ट्रेड है वो गैस कटर ही रहेगा, आप दूसरे ट्रेड पे नहीं जा सकते हैं। आपका जो ट्रेड रहेगा आप उसी ट्रेड से एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है, आप दूसरे कोई पोस्ट पे आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। देखिए अगर आप मैकेनिकल मशीन टूल्स मेंटेनेंस पे जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम ट्रेड भी वही रहेगा, ठीक है। अब चलिए अब मैं ITI को छोड़ता हूँ, ठीक है। अगर आपका ITI तो इस तरह से आप कर लेंगे। अब अगर कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे आप मैकेनिकल मशीन टूल्स जो भी आपका ट्रेड है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना आपको, ठीक है, और उसका एग्ज़ाम ट्रेड आपका वही रहेगा, ठीक है। आपका जो
ट्रेड है वही ट्रेड ही आपका एग्जाम ट्रेड रहेगा, आप दूसरे ट्रेड पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आईटीआई के बारे में बता दिया हूँ, ठीक है। अब मैं इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपने इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है, ठीक है, तो आप कोई सा भी आपका जो भी ब्रांच है आप उसको सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका ब्रांच है, ठीक है। यहाँ पे जो दिया गया है ब्रांच के बारे में, तो आप एक सिलेक्ट कर लेना जो भी आपका। तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया हूँ, और उसका एग्जाम ट्रेड आपका रहेगा, देखिए, इलेक्ट्रीशियन का, इंस्ट्रूमेंट मशीन का, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मशीन का, विंडर का एंड वायरमैन का। आपके लिए एग्जाम ट्रेड बहुत सा, जो भी आपको अच्छा लगे, जो ट्रेड आपका अच्छा है उस ट्रेड को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर कोई और एक दूसरा सा ट्रेड यहाँ पर मतलब ब्रांच सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो एग्जाम ट्रेड आपका रहेगा इलेक्ट्रॉनिक मशीन का और मैकेनिक रेडियो एंड टीवी का, ठीक है। उसी प्रकार से आपका अगर ट्रेड है, ठीक है, देख मैं आपको बता रहा हूँ, और कोई और एक सा भी ट्रेड लेके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, बहुत सारा ट्रेड है। तो यहाँ पे देखिए, अगर अदर सेलेक्ट करेंगे तो आपका सिलेक्ट नहीं होगा, जो लिस्ट पर दिया गया उसी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदर अगर आपका लिस्ट नहीं है यहाँ पे, तो आप उसे सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, जो ट्रेड आपका ब्रांच है, तो उस ब्रांच को आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका एग्जाम ट्रेड जो है, जो आपको अच्छा लगे जो पोस्ट, उससे एग्जाम ट्रेड को आप सेलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। तो चलिए अब मैं देखिए, एग्जाम ट्रेड जो है, जो भी जैसा भी हो आप सेलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। बहुत सारा एग्ज़ाम ट्रेड दिया जाता है इसमें, लगभग इंजीनियरिंग में एक एक ब्रांच से आप बहुत सारे ट्रेड में जा सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है आपको इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं इंजीनियरिंग डिग्री का, ठीक है, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो वो कौन सा ट्रेड सेलेक्ट करेंगे, तो उससे पहले आप अपना जो डिप्लोमा कौन सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है, इंजीनियरिंग डिग्री को आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपका डिसिप्लिन जो ब्रांच है, उस ब्रांच को आपको यहाँ आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो भी ब्रांच है आपका। तो मैं ऑटोमोबाइल यहाँ सेलेक्ट किया। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम ट्रेड है वो देख रहे हैं यहाँ पे, लगभग 3-4 एग्ज़ाम ट्रेड है, ठीक है, 5 एग्ज़ाम ट्रेड है। आप किसी में भी जा सकते हैं, ट्रैक्टर मशीन में जा सकते हैं, इस तरह से आप एग्ज़ाम ट्रेड को सेलेक्ट कर लें। बाकी आप जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिया गया नेशनलिटी का, इसके लिए तो मैं वीडियो बना ही चुका हूँ ऑलरेडी, आप आराम से फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा।